लेकिन ये जो नगर निगम के चुनाव हैं, पहले बीजेपी से इसकी शुरुआत करते हैं, चूंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है सर जिसमें कि हर कोई आना चाहता है, बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र में, अब पार्टी में भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बड़ी मजबूती के साथ अपना दमखम पिछले लंबे समय से बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी में एक मेयर के लिए 14 उम्मीदवार और वार्ड्स में अलग अलग उम्मीदवार टिकट लेने की होड़ में लगे हुए हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ज्यादा होगी या फिर अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए, लोगों में वर्चस्व दिखाने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए? सत्यव्रत जी आवाज मिल पा रही है? लगता भी सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आवाज मिल पा रही? सत्यव्रत जी आपसे पहला सवाल रहेगा मेरा। जी जी हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी में अब सीधा मेयर की तैयारी है चुनाव लड़ने की। दिल्ली में आप लोगों ने जो परिसीमन कराया, बहुत तरह के आरोप उस पर लगे कि अपने फायदा लेने के लिए सब किया है, और अभी जो चुनाव यहाँ तीन नगर निगम के होने हैं तीन शहरों में, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए मेयर के लिए, वो दावेदार अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये ज्यादा ज्यादा दावेदार मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है या फिर ये खींचतान जैसी स्थिति बन जाएगी? देखिए आशीष जी, जिस का विचार नेता और नीति ज्यादा होती है उसके प्रति आकर्षण तो स्वाभाविक है। जब वोटर्स का आकर्षण पार्टी के प्रति है तो टिकटार्थियों का भी आकर्षण पार्टी के प्रति स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी ऐसी अवस्था नहीं है कि वो खिंचातान बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर आधारित सिस्टम है वो उसमें से चयनित लोग ही आगे आते हैं और उन्हीं में से ही उनका चयन किया जाता है। माने मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि भाई जिसको हमने टिकट दिया केवल वही योग्य नहीं है, योग्य सब है, लेकिन फिर भी कोई कोई भाग्य का या किसी प्रकार का ऐसा होता है जिससे उन सब में से भी तो कोई एक चॉइस करनी पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मान के चलते हैं कि हम सब पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं और पार्टी के नाते जो जिम्मेवारी हम सबको मिलेगी उसको चुनाव लड़ने की नहीं तो लड़ाने की तो सबके पास मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अंतर का नहीं होता, वो कभी लड़ने वाला बन जाता है तो कभी लड़ाने वाला बन जाता है। चुनाव में काम दोनों को मिलेगा।